नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता होकर के आपने तृणमूल कार्यकर्ता उत्तम बेलदार को उनके साथ में मारपीट किया है, ये बात कहां तक सच है? देखिए भैया, पहला बात है कि हम बीजेपी करते ही नहीं है, दूर दूर तक मेरा बीजेपी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हम टीएमसी से शुरू से बिलोंग करते थे और आज भी करते हैं टीएमसी से। जब खालिद भैया यहाँ का जब काउंसलर थे, आज खालिद भैया नहीं है, अरमान भी हम लोग का देख रेख करते हैं। आप उनसे पूछिए मेरा कौन पार्टी से ताल्लुक़ है या नहीं है। अगर अरमान भैया बोल देते कि मेरा बीजेपी से ताल्लुक़ है तो फिर ठीक है, दूर दूर तक मेरा बीजेपी से कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। तो वो जो उत्तम बेलदार है वो अपने आप को तृणमूल कार्यकर्ता बता रहे हैं और आपको बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं? वो खुद 10 साल तक था, 10 साल बीजेपी में था, आज 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले टीएमसी में ज्वाइन किया है। इसके पीछे भी हमको लगता है कि राजनीतिक है कुछ जानबूझ के, मतलब हम लोग का जो संगठन है टीएमसी का, तृणमूल का, उसको कमजोर भंग करने के लिए वो लड़का टीएमसी में ज्वाइन किया है। ये भी कुछ राजनीतिक ही है इसमें भी बीजेपी वाला का, उत्तम बेलदार को टीएमसी ज्वाइन करवाते हैं, संगठन कमजोर कराते हैं 66 का। कई वार्ड में अरमान भैया का बहुत दबदबा है, इस कारण से हमको लग रहा है बीजेपी का कुछ चाल है इसमें। आप पर ऐसा आरोप है, जीडी भी किया गया है बड़ाकर फणी में, कि आपने उत्तम बेलदार को मारा है, ये कहां तक सच है? मैंने और किस वजह से आपने मारा उसे? मैंने उस पर हाथ भी नहीं उठाया। वो उत्तम बेलदार जिस दिन 26 को इलेक्शन के रात दिन यहाँ पे मेरा मोहल्ला में शादी था, वो लड़का फुल्ली ड्रिंक किया हुआ था। मेरा पापा से बहस हो रहा था, हम खुद वहाँ स्पॉट में मौजूद नहीं थे। जब देखे, जब भीड़ जुटने लगा तो देखे मेरा पापा थे स्पॉट पर, तो हम पहले दोनों को रिलीज करने लगे, छुड़ाने लगे। तो लड़का सुन ही नहीं रहा था, मतलब मेरा पापा को मारने पर टूट गया। तो फिर हम छुड़ा, यहाँ का जितना लोकेलिटी है सब आदमी लोग भी छुड़ाया, उसको एक बार घर भी लेके गया। घर से वो लाठी लेके निकला, मेरा पापा पे चला रहा था, तो हम उसका डंडा पकड़े हाथ से, उसको ढकेले, इतना ड्रिंक किया हुआ था कि गिर गया वो। गिरने के बाद फिर उठा बस कचड़ा करने लगा कि ये वो देख लेते तुमको, ऐसे वैसे बहुत कुछ धमकी दिया हमको कि 26 को मेरा सिस्टर का शादी है, 26 को शादी ख़त्म हुआ, 27 को तुम्हारा घर पे चढ़ के मारेंगे। ये है बीजेपी, मतलब टीएमसी का तो ये रूल नहीं है कि तुम टीएमसी, ये है टीएमसी का ऐसा कानून नहीं है कि तुम 26 को जीतेगा 27 को मारेगा, क्या है ये? यहाँ के अल्पसंख्यक नेता जो हैं, बद्री आलम ने भी इसकी गवाही दी है कि आपने उत्तम बेलदार के साथ मारपीट किया है। बद्री अंकल को उत्तम बेलदार जैसा बता है वैसा बद्री अंकल सुने हैं, ठीक है। बद्री अंकल खुद स्पॉट पर मौजूद नहीं थे। रहा बात बद्री अंकल का, तो बद्री अंकल मतलब मेरा बहुत अच्छा रिलेशन में है, सब कुछ है उनके साथ मेरा अच्छा, ठीक है। बद्री अंकल कौन सा हमको टीएमसी का रैली में या मीटिंग में हमको नहीं देखते हैं, उनको जैसा उत्तम बेलदार बताया सुनाया है वैसा बद्री अंकल सुने हैं। बद्री अंकल तो खुद स्पॉट में मौजूद नहीं थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जैसा मनगढ़ंत कहानी वो बताया बद्री अंकल को, वो हिसाब से अंकल कार्रवाई की है। और रहा बात उत्तम बेलदार का, उत्तम बेलदार हमको तो लग रहा है इसमें भी बीजेपी का साजिश, उसको एजेंट बना के भेजा गया है हम लोग का टीएमसी को संगठन कमजोर करने के लिए। 10 साल से उत्तम बेलदार 10 साल से बीजेपी में था, आज यही इलेक्शन के टाइम में क्यों स्विच ऑन किया टीएमसी में, वो भी 3 दिन पहले इलेक्शन से 4 दिन पहले क्यों किया वो? आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय, मेरा नाम सूरज कुमार बेलदार है, हम बलतोड़िया बड़ाकर के रहने वाले हैं, तृणमूल कार्यकर्ता बड़ाकर बलतोड़िया के रहने वाले हैं। और